नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर सब्जी के बारे में। ये सब्जी धरती पर एक आयुर्वेदिक वरदान है। ये इतने सारे रोगों का इलाज करती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब हम बात करते हैं उस सब्जी के बारे में। उस सब्जी का नाम है ककोड़ा, जिसे कंटोला, तिसलेल, काकरोल, क्रांको आदि नाम से भी जाना जाता है। ये आमतौर पर मानसून के मौसम में भारतीय बाज़ारों में देखी जाती है। इसमें कई तरीके के स्वास्थ्य लाभ हैं। इसी वजह से भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा अब कई भी जगह इसकी खेती शुरू हो चुकी है। इसकी मुख्य रूप से खेती भारत के पर्वतीय इलाकों में की जाती है। इसकी बेल का जीवन काल 3 से 4 महीने का होता है। यह पचाने में बहुत हल्का होता है। इसे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए दवा के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसमें कई रासायनिक यौगिक होते हैं जो मानव शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कैलोरी बहुत ही कम होता है, क्योंकि प्रति 100 ग्राम में सिर्फ 15 कैलोरी इसमें होता है, जो हमारे सांस के लिए नुकसानदेह बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं कई सारे बीमारियों या सिचुएशन में इसके उपयोग के लेकर। जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो कई सारी समस्या उपलब्ध होती हैं उनके शरीर में। उनमें से एक समस्या है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। कंटोला या ककोड़ा की ताज़ा हरी पत्ती विटामिन बी सी का बहुत अच्छा स्रोत है, जो कोशिकाओं के विकास व प्रजनन के लिए बहुत आवश्यक है। यदि प्रेग्नेंट लेडीज गर्भावस्था के दौरान अपने भोजन में कंटोला को शामिल करती है, तो वह न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने की संभावना से बच जाती है। अब दूसरी बीमारी है कैंसर। कैंसर के कारणों में से एक है हमारे शरीर में अत्यधिक विषाणु मुक्त कणों की मौजूदगी। कद्दू की ताज़ी हरी फली विटामिन सी की स्रोत होती है, जो स्वयं में एक बहुत ही अच्छी प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होती है। कैंसर की समस्या को कम करने के लिए विटामिन सी हमारे शरीर से अधिक विषैले मुक्त कणों को बेअसर करती है, और कंटोला इसमें काफ़ी सहायता प्रदान करती है ऐसे विषैले मुक्त कणों को बेअसर करने के लिए। त्वचा के लिए भी ककोड़ा काफ़ी फ़ायदेमंद है। ककोड़ा में बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, ल्यूटेन जैसे काफ़ी सारे तत्व पाए जाते हैं। ये सभी यौगिक आपकी बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने में मदद करता है, साथ ही त्वचा को स्वस्थ रखने में भी हमारे सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा कई सारे ऐसे त्वचा के रोग हैं जिनमें भी ककोड़ा काफ़ी फ़ायदेमंद है, और इसकी शक्तियाँ उन्हें हमसे दूर करने में मदद पहुँचाती हैं। आँखों की दृष्टि में सुधार के लिए भी ककोड़ा काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें विटामिन ए पाया जाता है, जो अच्छी दृष्टि के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप अपनी दृष्टि में सुधार के लिए इसे अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसका सेवन आपकी आँखों के साथ साथ आपके शरीर के लिए भी लाभदारी है, साथ साथ आपकी आँखों की जो दृष्टि कमज़ोर हुई है उसे ठीक करने में ये काफ़ी मदद पहुँचाता है। विटामिन ए का ये बहुत ही अच्छा स्रोत है। जब हमें वायरल फीवर होता है तो उस वक्त भी ककोड़ा काफ़ी लाभदायक है। कुछ मिनटों के लिए पानी में कंटोला या ककोड़ा के बेल के पत्तों को उबालें। उबालने के बाद वो जो पानी है उसमें 1 टीस्पून कच्चा शहद मिलाएं और इसका सेवन करें। वायरल बुखार के इलाज में ये मिश्रण काफ़ी लाभदायक है, और आपका बुखार जल्दी ठीक करने में ये मदद करता है। अब हम जानते हैं इसके नेक्स्ट फेवर के बारे में कि किस बीमारी में ये ज़्यादा लाभदायक है। अगर आप खांसी से पीड़ित हैं, जो कि बदली जलवायु या वायरस बैक्टीरिया के कारण बच्चों और एडल्ट्स में देखी जाती है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए पानी में एक दिन में 3 बार 3 ग्राम कंटोला पाउडर लें और उसे पिएं। ये जो श्वास की प्रॉब्लम होती है उसे दूर करने में काफ़ी मदद करता है। कोहरे और वायु प्रदूषण के कारण ये समस्या आजकल बहुत बढ़ रही है, इसमें ये काफ़ी लाभपूरक है। अगर आप किडनी स्टोन से पीड़ित हैं तो भी कटकोरा या कंटोला काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके लिए
एक गिलास दूध या पानी में 10 ग्राम कंटोला पाउडर मिलाएं और रोज़ पिएं। इससे जो भी आपकी पथरी की प्रॉब्लम है वो दूर होगी और जल्दी ठीक होगी, क्योंकि इसमें जो विटामिन है वो पथरी को गलाने में मदद करता है और उसे ठीक करने में मदद करता है। क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी पेनफुल होता है तो आप इसका उपयोग करके राहत पा सकते हैं। धीरे धीरे ये अपना असर दिखाएगा और पथरी को एकदम दूर कर देगा। ककोड़ा पाचन शक्ति भी बढ़ाता है। इसमें ऐसे फाइबर होते हैं जो पाचन को उत्तेजित करने में मदद करते हैं। यह अपच और कब्ज की समस्या का इलाज करने में मदद करता है। इसलिए अगर आप अपना पाचन बेहतर रखना चाहते हैं तो इसका सेवन रेगुलर शुरू कर दें, क्योंकि ये काफ़ी पचाने में हेल्पफुल होता है और आपके लीवर को भी फ़ायदा पहुँचाता है खाना पचाकर। अब हम बात करते हैं इसके अगले फ़ायदे के बारे में। तो ये हाइपरटेंशन से राहत पहुंचाने में काफ़ी मदद करता है। यदि आपको अधिक पसीना आने की समस्या से सर महसूस हो रहा है या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो आप इसका उपयोग कर इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। कंटोला पाउडर के साथ स्नान करें, इसे प्राकृतिक स्क्रब के रूप में प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त खराब गंध व पसीना आना भी कम हो जाएगा। ये आपको चिकनी सॉफ्ट त्वचा लाने में मदद करेगा। इसके पाउडर में काफ़ी ताकत होती है, जैसे कि इसके सब्जी में होती है। इन सब के अलावा, जैसा कि हम जानते हैं, किसी चीज़ का ज़्यादा उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, वैसे अगर हम इसका ज़्यादा उपयोग करें तो कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जिन्हें हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी है तो डॉक्टर की सलाह लिए बिना इसको यूज ना करें ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ और प्रॉब्लम हो। इसलिए इसका प्रेगनेंसी में यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। इसका ज़्यादा उपयोग आपके पाचन तंत्र को ख़राब कर सकता है। यदि आप बहुत मात्रा में इसके रस का सेवन करते हो तो आपको पेट दर्द या दस्त का अनुभव हो सकता है। अगर 2-3 दिन से ज़्यादा का दर्द हो रहा है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को ज़रूर संपर्क करें। साथ साथ इसका प्रभाव जिन्हें लो शुगर की बीमारी है उनके लिए सही नहीं है। जिन लोगों को मधुमेह की बीमारी है उनके लिए तो ये शुगर का लेवल कम करता है, लेकिन जिन्हें शुगर लेवल पहले से ही कम है उन्हें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, हो सकता है ये उनके लिए नुकसानदायक हो। दोस्तों, तो ये थी बात दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर सब्जी के बारे में, जो कि धरती पर आयुर्वेदिक वरदान है। लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी पता चले इस सब्जी के महत्व के बारे में। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। Please like and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates from time to time. Like and share the video, comment in comment box. Subscribe the channel.